स्टार्टिंग द व्लॉग। अभी अभी मैं थोड़ा नहा धो के निकली थी, तैयार व्यार हुई हूँ। आज मेरे दादा का बर्थडे भी है एंड अभी मैं जा रही हूँ अपना बैच लेने के लिए। अपने स्पेक्स ढूंढ रही थी मैं, सो हेयर आई गो। आज मैंने कुछ भी मैंने ये मेरे ट्राउजर्स है, ये मैंने अपना नॉर्मल ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन ली है एंड वी आर गुड टू गो। आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये आप आइसक्रीम लेके आओ लैपटॉप की खुशी में। वन मोर स्टूडेंट गॉट न्यू लैपटॉप। हर बच्चे के पास लैपटॉप आ रहा है, हर मेरे ऊपर हर बच्चे के पास लैपटॉप आ रहा है, हर एक के पास। यहाँ फोन लैपटॉप दिखाओ। डेल का लैपटॉप कल शाम की बात थी। अपना लैपटॉप दिखाओ, लेना होगा। चलो मेरा बहुत जल्द में इसकी सारी वारंटी वगैरह ले ली, सब कुछ मिल गया। कभी महंगे वाला पैड लेमिनेशन करा लीजिए ना। लेमिनेशन करवाओगे ना तो? हाँ करवा लेना यहाँ से। ये टच वाला कैसा है? कौन सा वाला? टच वाला याद था मेरे को, मैंने रात को सबसे पहले स्टेटस डाला था आपके लिए 3 बजे हैप्पी बर्थडे का मैसेज ड्रॉप किया था। मैंने पापा को बोला, दादा को बोल दिया, तुझे याद है तो सो के उठी अभी। मगर 3 बजे का स्टेटस डाल चुकी हूँ मैं ये सब का। जो आप बोलोगे वो ये खाएंगे कि मैं अपने आप ऑर्डर कर दूंगी। 5 बजे से पहले करना ना, क्योंकि 5 बजे को आएंगे। हाँ वही जो पिछली बार बुआ के बर्थडे पे किया था ना, सबको पूरा हो गया था। वड़ा पाव, पिज्ज़ा और फ्राइज ऑर्डर कर दूँगी। फ्राइज तो घर पे पड़े हैं। मैंने मकेन का पैकेट लिया था कुछ दिन पहले आप ही के लिए, तल दूँगी वही। हाँ नहीं तो कुछ और खाने तो मुझे बताओ। BTW के टिकट पत्थर अंडा बार वो तो फाइनल करेंगे। अभी जाते हैं, बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं। आपको विश करने आई थी पहले, मम्मी गई थी नीचे कोई बैठा हुआ था, तब भी बुआ से भी बात हुई थी मेरी। बिरयानी है उसके साथ 10 रुपए का, वो अलग से है। गाइस वी आर हैविंग ब्लैक करंट आइसक्रीम क्योंकि दीपा जी का न्यू लैपटॉप है। चलो ऋतु जी मदद और वेज 30 की हाफ है, 50 की फुल है। साथ में लेना हो तो रायता ग्लास ले सकते हो 10 रुपए का। 17654 एंड क्या दीदी कैटरिंग वोटरिंग का काम है क्या? भाई हम रखते हैं जॉइंट फैमिली। आइसक्रीम पार्टी बहुत होती थी हमारे पहले, मतलब गर्मियों में ना आइसक्रीम की ब्रेक के आती थी, सारे फिर नीचे बैठ के खाते थे। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई। लोग कहेंगे एक बार बच्चों ये बता दो कि हमारी पढ़ाई कैसी हुई आज के यहाँ पे? अच्छी हुई है। YouTube पे वीडियोस अपलोड करनी सीखी है, बट जिसके छोड़ने के बाद ना बच्चे
ले रही क्या हमसे आप? इतनी चला रही है बोलो, इतनी आती है। वेदांत की होगी ये, चलो भी मजा आ गया देख के। तुमसे उसका बेचारा तुम पे बाहर दे रहा, चलाई जा रही है तुमसे। बुरे हाल। बाय। चलो बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा आज मेरे दादा का बर्थडे है तो मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने आज मेरे काफी और को बुलाया तभी आपको मेरे थोड़े लिप्स ज़्यादा लग रहे होंगे, तो मैं जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। सारी अरेंजमेंट्स कर रही हूँ मैं, पूरी ऑर्गेनाइजर मैं हूँ। या तो गाली पड़ेगी या तो तारीफ मिलेगी, तारीफ तो इस घर में मिलती नहीं, गाली मिलती है बस। देखते हैं, दादा बाहर पत्थरों का काम करा रहे हैं, गर्मी में हो जाते हैं वो माहिर रेट। आ जाओ दादा। तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने आ रही थी बट मुझे बोल दिया बाहर जो लोग पत्थर लगा रहे हैं उनके लिए चार कप चाय बनानी है। तब सबसे पहले मैं मजदूरी करने जा रही हूँ ऊपर, उसके बाद मैं सामान लेने जाऊँगी। और दादा को ना केक काटना पसंद है, मैंने वहाँ ने ऑर्डर कर दिया है, तो ये रिएक्शन या तो बहुत सुप्रीम हो सकता है या तो घर से मेरे को बाहर निकाल देंगे। मम्मी चार कप चाय बनानी थी ज़रा। प्लस एक चीज़ और हो सकती है, पहले तो मैंने बुआ को कहा था कि आप बोलना कि आप केक लेके आए हो ताकि मुझे डांट ना पड़े, पर केक मैंने दादा भी लिखवा दिया है। इट्स ऑल डन। ये है तेज़ मीठे वाली चाय, गिलास को स्टील में पियेंगे क्योंकि मोस्टली सारे लोग स्टील्स में ही पीते हैं क्योंकि चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती है उनके अकॉर्डिंग। एंड देखो अभी पहले सामान लेके आती हूँ, नीचे सारा सामान समेटना है मैंने। हम जा रहे हैं, मैंने चोटी बांध ली है, आ चुका है अब हो सकता है घमासान। इधर इधर आ जल्दी आ। आरती भी आ गई है, ये रहा केक। आरती निर्धारित समय पे खाने का टाइम पे चौकी साइन पे शादी का झंडा दे रखा था इसने गोला खाया है बिना खाए। अभी यार हैविंग दादा के फेवरेट फ्राइज, अभी मैं इसको तल रही हूँ और उसके बाद हमारा सामान आ गया, वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा आने हैं अभी एंड हम पार्टी करेंगे। केक काटने से दादा ने बिल्कुल मना कर दिया। वापस वापस यार बीट आशीर्वाद दे रही थी नीट का पेपर, ये बहुत विशिंग दे रही है। स्वार्थी स्वार्थी आज लग इधर से आ गई, कोने से कोने से वो तुम टाप के आ गए। बुआ भी आ गई है पर मेरी अनबॉक्सिंग। अच्छा गालियाँ सिर्फ मेरे हिस्से में आई नहीं आएंगी, किसी किस्से में नहीं आएंगी। मैंने बोला मैंने कहा पेस्ट्री मगर मिल चुकी क्या है, मैंने कहा पेस्ट्री से और वो है ब्लॉग में डालो ना मैं। ये लो ना काटते इसके लिए से बताओ, हम ही काट रहे हैं। ऑपरेशन कराया आपको क्या अंधी तो? अरे मेरे मैं अंधी को नहीं दिखा पागल। अच्छा आपके तो पास की नज़र है, दो मुझे तो पास नहीं दिख गया मुझे, इतनी अंधी नहीं हूँ। अरे दो तो जी लिख के दिए, ये कट रहा है केक। इस औरत ने मेरे 2 लाख रुपए देने अब तक नहीं दे रही। मुझे इन्होंने कहा था कि मुझे इन्होंने कहा था कि तेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा, अगर होगा तो मैं तुझे 2 लाख दूंगी। कैसा लगा? मस्त। ये लो इसमें रखते जाना, लो ये लो। नहीं यार खड़े होके बोलने से मतलब खड़े होके बना दे, खड़े होके जब पापा को बुला के आया मैं क्या खड़ी हो जाए एक बार आरती। बुआ कह रही है एक फॉर्म की डेट 30 को है। अरे यार बुआ सारी बात कर रही है प्रथम से, मैंने प्रथम
थोड़ी भरेगा, बुआ का लड़का है। नीचे आ जाओ, मानती नहीं है ना। राधिका ने गाय की दादा, आप लोगों ने देखा ही है कि किस हिसाब से हमने इनका बर्थडे मनाया। केक हम काट नहीं पाए क्योंकि दादा को केक काटना पसंद है, केक था केक काटते। इसकी भी मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। मेरे बर्थडे पे पिछले साल वाले बर्थडे पे मुझे केक काट से केक रिसीव हुआ था, ट्रफल केक, बहुत टेस्टी है। मैंने आज तक नहीं खाया था ऐसा केक, क्योंकि सोनीपत में रह के भी नहीं खाया था। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे भेजा था वो केक, एंड उसके बाद से वो वहीं से आ रहे हैं। तो इट्स वॉज लाइक कि उसकी चॉइस अच्छी थी एंड नाउ और अच्छी है भी। और उसके बाद अब मैं क्या कहते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस राधिका ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।